गाइस ये है हमारे होटल का व्यू जो पीछे से दिखाई दे रहा है आपको शिमला का। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम अगेन टू फीटुआ व्लॉग में आपका स्वागत है। और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, होटल से चेकआउट करके निकलेंगे, बाइक लेंगे, फिर उसके बाद बाइक राइडिंग का दिन आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं बचा हूँ नहाने के लिए और सुबह के बज रहे हैं 7, बाकी सब रेडी हो चुके हैं, भैया भी रेडी हो गया है, अनिल नीरू सब लोग, तो मैं भी रेडी होके आप लोग से मिलता हूँ। यही है आज का सबसे बड़ा टास्क कि बाइक चलाना है आज। सलमान रेडी, नीरज भी रेडी हो गया है और मैं भी रेडी हो चुका हूँ, अपना सामान हो गया पैक कर लिया। अब निकलेंगे सीधा जहाँ पर से बाइक उठाना वहाँ लेंगे, देखते हैं बीच में कहीं नाश्ता करना तो चाय पानी ले लेंगे, उसके बाद गाना चालू है। बाय बाय। सो गाइस अपना यहाँ पे सारा कुछ हो गया, अब हम लोग निकल गए। इस होटल में मैं रुका हुआ था जो काफ़ी पास में है, सर्विस वगैरह ठीक है, रहने के लिए बेस्ट है। चलो चलते हैं अब ओला उबर करके। चलिए चलना है, चलिए शुरू कीजिए, चलिए शुरू कीजिए। आप आइए हमारे नए ब्लॉगर से मिलिए, प्रदीप ब्लॉग, प्रदीप भारद्वाज, जो जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दिया जाए। उठने के बाद पहले लिया जाएगा ब्रेकफास्ट बोल दिया है, फिर खाने के बाद ट्रिप स्टार्ट हो जाए, मतलब कोई बीच में रिकॉर्ड ना आए। लाइट बहुत ब्लर ब्लर कर रहा है। सो गाइस मैं आ चुका हूँ, शायद यही दो बाइक है, एक ये वाली और ये वाली, इसी से हम लोग पूरा टूर अब कंप्लीट करेंगे और बहुत मौज आने वाली है। नए हो तो सब्सक्राइब करो, यही सब दिखाने के लिए मैं हो तो देख के भागो। और पुराने हो तो देख के भागो वहीं से। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग का प्यार बना है इसलिए हम कंटिन्यू वीडियो बनाते जा रहे हैं, कुछ नया आप लोग को दिखाने के लिए हम बहुत खर्चा कर रहे हैं। तो थोड़ा 10-10 रुपया भेजो भेजो भाई भेजो। तो अभी वेट कर रहे हैं की एंड चाबी का, ये इस पर कैसे बांधने के। तो ये दो बाइक मिली है, ये मैं चलाऊंगा और ये नीरज चलाएगा। सामान दोनों बाइक एक ही पे रख दे मैं तो बोलता हूँ। अब और एक बाइक पे तीन लोग? नहीं 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 ऐसा नहीं है, बाकी सब लोग रेडी हो गए हम लोग, अब दिखेगा आपको वादिया। सो गाइस अब निकलते हैं, हरे कृष्णा हरि मोहन, गुड लक, बाय बाय सर। बाय। इनसे हम लोग ने बाइक लिया हुआ है तो मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा जब भी आइए यहाँ पे। सो चलिए शुरू करते हैं, आओ हरे कृष्णा। मुझे चलाना ये थे व्यक्ति, तो ठंडा थोड़ा सा बढ़ गया ना भैया, तो वादियों में हैं हम लोग अभी से टाइम। बड़ा व्यू यार, व्यू मौज एकदम। सांसों की माला पे लिख दूं मैं पिया का नाम। गाड़ी ओके ओके, इसलिए खास नहीं है, चल जाएगी मेरे। तो अभी ये पहला ब्रेक लिया है हम लोग ने, एक डेढ़ घंटे चला के, यहाँ पे व्यू अच्छा था इसलिए रुक गया हूँ, दिखाता हूँ भी खाना ना, और खाना तो खाएंगे ही। व्हाट अ व्यू मैन। सो ये है वादिया, ऐसे ही घंटे में बनाई हुई थोड़ी सी, और ये पीछे बताया कर
कभी भी लोग ऐसा डायरेक्ट नहीं बनाते। पीछे आ जा, पीछे आ जा तू, थोड़ा सा ऐसा रहना चाहिए आदमी धीरे भी तो साइड में उसको रहे। कड़क भी हुआ कड़क। तो अभी ये पहला ब्रेक लिया जा रहा है, 200 किलोमीटर चलाने के बाद दूसरा ब्रेक लिया जाएगा। भैया भैया हमारे साथ बना हुआ है अभी तक और यहाँ पे ले रहे पहाड़ों की मैगी जो आपने देखी है और हमने खाई है। आपने सिर्फ देखी और हमने खाई है यार। अभी तक हम लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर चलाया रहेगा गाड़ी लेके। तो ऐसा सिचुएशन है, ठंडा लग रहा है बट मैनेज कर, मैनेजेबल है, इतना भी ज़्यादा ठंडा नहीं है। और समझ नहीं है राजमा चावल समझ ले लिया, राजमा चावल मैगी दो चाय बिस्किट और कुछ खाना रहेगा। कैसा है भाई? मजा आ गया, एक नंबर। हम तीन राजमा लिए, चार दोस्त में तीन खाएंगे, प्यार बढ़ाने आए यहाँ पे। घर वालों को फ़ोन करो, फ़ोन उठा नहीं रहे। सही बात है, खा लेते। सो गाइस अब निकल रहे वापस। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम राजा राम। अब ऐसा है कि खाना वाना खाने के बाद एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई और ठंडा भी थोड़ा लग रहा है, बट कुछ नहीं, मौज है, यही करने आए हैं और यही करेंगे हम। अरे कृष्णा, सोच रहे 50 किलोमीटर के बाद ब्रेक लिया जाए, बाकी आप लोग देख ही रहे हो। तो गाइस यहाँ पर है नारकंडा, एक स्टॉप लिया गया है छोटा सा, बम्पी सीधा करने का स्टॉप लिया है नीरज सेठ ने। देखो नीरज को देखो। अरे कृष्णा, 50 किलोमीटर माप दिया ना, मगर 7 किलोमीटर बाद माप दिया आपका भाई बोला। Beep, 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 beep.
से एक स्टॉप लिया गया अभी गन्ने का जूस पीने के लिए, वो तब से चला चला के थक गए थे मैं और ये दूसरा भाई अपना काजू। मज़ा आ रहा है, ट्रिप ऑन है। भैया कैसा लग रहा है तुमको? भैया यहाँ पर थोड़ा सा मुंह बनाया है मगर ऑन कैमरा भैया भी खुश है, रहना पड़ता है ऑन कैमरा खुश। गन्ने का जूस 20 रुपया ग्लास है यहाँ पे। निकाल रहे तब तक हम लोग अपने पीछे वाले गाड़ियों का वेट कर रहे हैं, वो आ जाए तब तक हम लोग निकलेंगे। फिर 17 किलोमीटर और है रामपुर यहाँ से। मज़ा आ रहा है। वादिया के चक्कर में ना बहुत बाइक चलाना पड़ता है। तो प्रदीप आ रहा है कल गाड़ी चला के, अभी वो आ रहा है। जियो राजा जियो, जय भद्रकाली। जय भद्रकाली। कैसा लगा रोड खराब है ना थोड़ा यहाँ आते समय? बहुत पाउडर मिला, इतना पाउडर खा लिया था कि अभी यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, इसको पी के उसके बाद पाउडर को गेन कर दिया जाएगा। मजा आ रहा है मगर। अभी राइडर चेंज हो गया, ये दूसरी बार चला रहा है, पहली बार ये चला रहा था खजूर, जो पीने के लिए हम लोग रुके पहले हमें पिलाया जाएगा। वाह रे गन्ने का जूस, वाह मजा आ गया यार। अरे रामा कृष्णा, नो मिक्सिंग, गांव में है ना इसकी वजह से। अभी पीजिए, बहुत लजीज बनाया हुआ है, बहुत लजीज। स्वाद लिया जाएगा उसको, लिंबू डाला और वो भी डाला है उदीना काजू कतरी नहीं रे। किनारे रुकना चाहिए था यार, व्हाट अ व्यू मैन। अब भैया पानी के पास बजरंग बली का यहाँ पे मूर्ति काफी विशाल है, इसको देखने के लिए हम लोग रुके हैं। जय बजरंग बली। नजारे भाई मैं
कहाँ खराब हूँ। ओहो ये तो सब जा रहे हैं यहाँ पे कितने सारे हैं। गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, बस यही है थोड़ा गाड़ी चलाना पड़ता है, मगर जो नज़ारे हैं सारा कुछ गाड़ी क्या कुछ भी चला सकते हैं। छोटका आगे का रास्ता बंद हो गया है, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है मेरे दोस्तों। ये देखिए मेरी रॉयल एनफील्ड 500 किलो की। भाई अब लगेगा थोड़ा टाइम, एक घंटा, क्योंकि आगे कुछ पत्थर वगैरह या लैंडस्लाइड हुआ है उधर आगे, तो हम लोग को एक घंटा यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तब तक अपना जो पापड़ हुआ है जुड़ जाए। भैया पापड़ क्या हुआ है बता। भैया बोलेगा बम्पी, हिंदी में उसका अनुवाद करके आप मजे लीजिए, तब तक मैं बैटरी भी चार्ज कर देता हूँ, चाय कॉफ़ी पी लेता हूँ। इधर छोटका गाड़ी चढ़ा ही नहीं पा रहा है, देखो छोटका देखो गाड़ी ही नहीं की। रॉक कर दिया भाई, छोटका बहुत खींच लिया गाड़ी लेके। अरे भाई तू जितना नहीं खींचा ना हम दोनों खींच देते हैं, खींच दिया दो। सो गाइस अभी पहले चाय कॉफी पियेंगे उसके बाद मिलते हैं। गाइस हम लोग जाम में फंस चुके हैं और आज है 4 तारीख, आप लोग देखिए अभी तक वेट कर रहे हैं, आगे पता किया हम लोग ने कुछ पत्थर वगैरह साफ हो रहा है और थोड़ा टाइम जाएगा और रात भी हो रही है, धीरे धीरे घबराना मत, बहुत पुलिस लोग हैं यहाँ पे। तो जैसे रोड चालू होगा हमारा ट्रिप वापस चालू हो जाएगा और हम लोग स्टे करेंगे आज कल्पा में। गाइस बज रहे हैं 8:30 और हमारी 2 गाड़ी सिर्फ चल रही है रोड पे और थोड़ा दूर भी है गाड़ी, तो ये है स्मृति वैली 0.1। पहले दिन की राइड काफ़ी ख़तरनाक रही और अभी जारी है, फटाफट हम लोग को 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर को कवर करके फिर हम लोग को होटल मिलेगा। चचा जब कल्पा का नाम ले लिया तो कल्पा चढ़ के ही दम लेंगे हम लोग, इतना रात हो गया। गाइस देख रहे हो हम लोग की फट रही है बहुत। ओ कल्पा 1 किलोमीटर बस पहुंचने वाले हैं होटल कैलाश इन डिनर। अरे भैया बहुत ले रहा है मजा। गाइस एडवेंचर ऐसे ही होता है, रात को आपको निकलना पड़ता है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं गाइस? हो रही है गाइस बोल रहे हैं हाँ। क्या करूँ यार अभी कोई है नहीं बात करने वाला, तो तुम लोग से ही बात कर रहा हूँ और अभी फट रही है बहुत। पंकज गुप्ता जी पीछे बैठ के सहानुभूति दे रहे हैं और ऐसा थोड़ा लाउडली चिल्लाते रहूँगा तो मैं क्या, बस पहुँच जाने ही वाले हैं। अब ठंडा हो गया, वही 20 सेल्सियस रहेगा, 10-15 सेल्सियस। चलो आओ नीरज से आ जाओ, हम लोग को ये होटल फाइनल किए अभी 1300 रुपया एक रूम का, गाड़ी यहाँ पे उसके सर के ऊपर खड़ी कर। मैं चला चला के फंस गया। नीरज अभी होटल एडवाइस कर रहा था, आइए 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 स्वागत है। सुबह गाड़ी लोग खड़ी कर रहे हैं, वहाँ पर पहाड़ है, स्नो हुआ, अभी सुबह देखेंगे मालूम पड़ेगा।
सो फाइनली पहुंच गए, ये होटल भी मिल गया है, अच्छा होटल है, थोड़ा बहुत निगोशियबल किया, ठीक ठाक मिल गया है। अब हिम्मत नहीं है आप लोग से बात करने की गाइस, सो खाना खा के सो जाऊंगा, मिलता हूँ कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, गुड नाइट, स्टे ट्यून। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बाय बाय दोस्तों।